हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमारे भारत में कई सारे त्यौहार मनाते हैं। अलग अलग रीति के अलग अलग महीनों में मनाए जाने वाले इन त्यौहारों का महत्व भी बहुत खास होता है। ऐसा ही एक प्यारा त्यौहार श्रावण महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है। भाई बहन के अटूट बंधन को दर्शाने वाला इस त्यौहार को हम सभी रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, रक्षाबंधन यानी रक्षा करने के लिए बांधे जाने वाला बंधन। हमारे भारतीय संस्कृति में बहन अपने भाई को सूत का धागा, जिसे हम राखी भी कहते हैं, उसे बांधकर अपने भाई को अपनी रक्षा करने के लिए बांध लेती है। ज़रूरी नहीं कि केवल बहन अपने भाई को ही राखी बांधे, बल्कि कोई भी अपने से बड़े को, चाहे वो बहन हो, पिता हो, माता हो, गुरु हो या कोई और, जिसे हम अपनी रक्षा का उत्तरदायित्व देना चाहते हैं, उसे हम राखी बांध सकते हैं। अब तो प्रकृति संरक्षण हेतु वृक्षों को भी राखी बांधने की परंपरा प्रारंभ हो गई है। चलिए जानते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में इसे कैसे मनाया जाता है। उत्तरांचल में इसे श्रावणी कहते हैं। अमरनाथ की अति विख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। कहते हैं कि इसी दिन यहाँ का हिमानी शिवलिंग अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है। इसी उपलक्ष में इसी दिन अमरनाथ गुफा में प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन होता है। महाराष्ट्र में इस त्यौहार को नारियल पूर्णिमा या श्रावणी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन लोग नदी या समुद्र तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। इस अवसर पर समुद्र देव या वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित करने की परंपरा है। यही कारण है कि इसी एक दिन के लिए मुंबई के समुद्र तट नारियल के फलों से भर जाते हैं। राजस्थान में राम राखी और चूड़ा राखी या लुम्बा बांधने का रिवाज है। राम राखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। इसमें लाल डोरे पर एक पीले छींटों वाला फूंदना लगा होता है। यह केवल भगवान को ही बांधी जाती है। चूड़ा राखी भाभियों के चूड़ियों में बांधी जाती है। जोधपुर में राखी के दिन केवल राखी ही नहीं बांधी जाती, बल्कि दोपहर में पद्मसर और मीन कानाड़ी पर मिट्टी और भस्मी से स्नान कर शरीर को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद गणपति, दुर्गा, गोभिला तथा सप्तर्षियों के दर्भ के पूजा स्थल बनाकर उनकी मंत्रोच्चारणा के साथ पूजा की जाती है। उनका तर्पण कर पितृऋण चुकाया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान के बाद घर आकर हवन किया जाता है। वही रेशमी डोरों से राखी बनाई जाती है। राखी को कच्चे दूध से अभिमंत्रित करते हैं और इसी के बाद ही भोजन करते हैं। इसी प्रकार तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण इस पर्व को अवनी अवित्तम कहते हैं। इसी दिन यजुर्वेदीय ब्राह्मण 6 महीने के लिए वेद का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसी पर्व का नाम उपक्रमण भी है, जिसका अर्थ है नई शुरुआत। जिस प्रकार विभिन्न राज्यों में इस पर्व का अलग अलग रूप है, उसी प्रकार अलग अलग धर्म में भी इसका अलग अलग महत्व है। जिस तरह हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने को लेकर पुराणों में भिन्न भिन्न कथाएं मिलती है, उसी तरह जैन धर्म में भी रक्षाबंधन को मनाने के पीछे एक अलग ही मान्यता है। जैन धर्म के अनुसार रक्षाबंधन की कुछ अलग ही कहानी है। इस कहानी के अनुसार एक बार एक मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा की थी। इस रक्षाबंधन की कहानी को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको ये वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।